जो है वो स्पैन लेंथ बन जाता है। तो इनकी मजीद
जो स्पेसिफिकेशन है उसको भी हम देखते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेल्यूअर टाइप इज डायगोनल टेंशन फेल्यूअर। अब डायगोनल टेंशन फेल्यूअर या फ्लेक्चुरल शियर फेल्यूअर दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मिडल स्पैन के अंदर आपके पहले फ्लेक्चुरल क्रैक अपीयर होती है, फिर जैसे जैसे आपकी लोड बढ़ता जाएगा फ्लेक्चुरल क्रैक के साथ साथ दो इंक्लाइन क्रैक भी अपीयर हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो उस केस को हम फ्लेक्चुरल शियर क्रैक्स कहते थे। तो ये आपका जो फेल्यूअर है बेसिकली दैट फेल्यूअर इज नोन एज अ डायगोनल टेंशन फेल्यूअर और फ्लेक्चुरल शियर फेल्यूअर। डायगोनल टेंशन फेल्यूअर प्रेसिपिटेट इफ द स्ट्रेंथ ऑफ बीम इन डायगोनल टेंशन लोअर देन इट्स स्ट्रेंथ इन फ्लेक्चर। या अगर आपकी टेंशन जो डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अगर कम है फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ है तो केस के अंदर आपका डायगोनल टेंशन फेल्यूअर अपीयर होता है। इस मेंबर्स के अंदर शियर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो है वो इंटरमीडिएट रेंज के अंदर है, इंटरमीडिएट मैग्नीट्यूड के दरमियान वैरी करती है और इसका शियर स्पैन टू डेप्थ जो है वो 2.5 से लेके 5.5 तक मतलब ये सब कंसर्न जैसे लोडिंग मूव करता है। जैसा आपने प्रीवियस केस में डिस्कस किया कि फ्लेक्चर के अंदर जो आपका शेयर स्पैन टू डेप्थ रेशो था वो 5.5 या उससे ज्यादा होता है इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड लोडिंग या सिंगल सपोर्टेड पॉइंट लोड, और 16 या 16 से ज्यादा होता है इन केस ऑफ यूडीएल। यहाँ पे हमारे पास जो शेयर स्पैन टू डेप्थ रेशो है डायगोनल टेंशन फेल्योर के लिए वो वेरी करता है बिटवीन 2.5 से लेके 5.5 के दरमियान। सच बीम्स कैन बी कंसीडर्ड ऑफ इंटरमीडिएट स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस जिनकी जो लॉन्गर लेंथ है वो आपकी इंटरमीडिएट होती है, ना हाई होती है ना ज्यादा कम होती है। इस केस के अंदर क्रैकिंग स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ फ्यू फाइन वर्टिकल फ्लेक्चर क्रैक्स एट द मिड स्पैन फॉलोड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द सपोर्टिंग स्टील एंड द ग्राउंडिंग कॉन्क्रीट। ये आपका जो फ्लेक्चर क्रैक समहाउ कुछ अपीयर होती है सेंट्रल जोन के अंदर, लेकिन इसके अंदर मोस्टली जो है वो डीबॉन्डिंग फेल्योर अपीयर होता है जिसके अंदर आपका कॉन्क्रीट और स्टील के दरमियान जो बॉन्ड है वो फेल हो जाता है। देयरफॉर आफ्टर विदाउट एम्पल वार्निंग ऑफ इंपेंडिंग फेल्योर टू और थ्री आपका ओवरऑल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ, शियर स्पैन, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ डेप्थ
is if the central cracks nazar aa rahi hai, these cracks are known as a flexural cracks. और फिगर बी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपका सपोर्टिंग पॉइंट है शियर स्पैन और वहां से नीचे आपका जो लोडिंग पॉइंट है इसके दरमियान एल आर नजर आ रहा है. एल आर बेसिकली 1.5 टाइम्स जी और 2 टाइम्स जी अगर आप नॉर्मल इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आपका एक इंक्लाइन क्रैक अपीयर होता है जो बेस्ट सपोर्टिंग पॉइंट की तरफ मूव करता है एंड दिस फेल्योर बेसिकली नोन एज अ शियर फेल्योर और इसको हम फ्लेक्चर शियर फेल्योर भी कंसिडर करते हैं. नाउ इस पिक्चर के अंदर आप अभी देख सकते हैं कि जो हमारे बीम्स होते हैं कंप्रेशन के अंदर या शियर कंप्रेशन फेल्योर या वेब शियर की तरफ डेवलप होता है वो चीज यहाँ दिखाई दे रही है. आपके सेक्शन ट्यूज हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर साइड टू साइड मूव कर रही है और फ्लेक्चर फेल्योर था डायगोनल टेंशन फेल्योर जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा. ये पिक्चर बेसिकली जो है वो शो करा रही है शियर कंप्रेशन फेल्योर जिसको हम वेब शियर फेल्योर भी कंसिडर करते हैं. इसको जो है मजीद हम डिटेल में आगे देखेंगे. So the third important failure mode is shear compression failure, जिसको हम web shear भी कहते हैं. Shear compression failure या web failure या web shear failure या totally pure shear failure. Beams that are more subjected to shear compression failure have a small span to web ratio of 2.5 for the case of concentrated loading and less than 5 for the distributed loading. So वो members जिनके अंदर overall shear span to web ratio आपका बहुत कम होता है शेयर स्पैन टू डेप्थ रेशियो लेस देन 2.5 होता है उस केस के अंदर आपका मेंबर जो है वो शेयर के अंदर फेल होता है. वो इन द केस ऑफ यूनियन लोडिंग और इन द केस ऑफ नॉर्मल लोडिंग. और अगर आप यूनियन अप्लाई करते हो तो उस केस के अंदर आपका शेयर स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो है वो 5 से कम होता है. उस केस के अंदर आपका वेब शेयर या प्योर शेयर फेलियर अपीयर होता है. एज इन द डायगोनल टेंशन केस अ फ्यू फाइन फ्लेक्शन क्रैक्स स्टार्ट्स टू डेवलप एट दिस स्पैन एंड स्टॉप प्रोपेगेटिंग एट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉन्ड अकर्स बिटवीन द लॉन्ग and the surrounding concrete and the supporting region. ये जो tension failure था या second of failure था diagonal tension case उसके अंदर आपके somehow जो inclined cracks थे उनके साथ flexure cracks भी appear हो रहे थे लेकिन flexure cracks में वो propagate नहीं होते जब तक तब तक होते हैं जब तक आपका bond बरकरार रहता है दोनों materials के दरमियान. जैसे ही concrete और steel के दरमियान bond weak हो जाता है bond टूट जाता है तो उस case के अंदर हमारा जो member है वो मजीद जो डिफ्लेक्शन को फेस नहीं करता और मेंबर कोलैप्स हो जाता है. तो इस केस के अंदर हमारे जो फ्लेक्चुअल क्रैक्स है वो मजीद प्रोपेगेट नहीं होते. देयर आफ्टर एन इंक्लाइन क्रैक स्टीपर देन इन द डायगोनल टेंशन केस सडनली डेवलप्स अ सुपर एंड प्रोसीड्स टू प्रोपेगेट टू द डिफरेंट कि उस केस के अंदर आपका मेंबर जो है फ्लेक्चुअल क्रैक्स के बाद एक सडनली एक डायगोनल क्रैक अपीयर करता है जो कि आप पहले डिस्कस करा है 1.5 टाइम्स डी एंड 2 टाइम्स डी के ऊपर कि वो आपका फ्लेक्चुअल क्रैक जो था इंक्लाइन क्रैक था वो आपका अपीयर हुआ और सडनली जो है मेंबर को कोलैप्स कर दिया और न्यूट्रल एक्सिस की तरफ वो प्रोपेगेट करता हुआ अपवर्ड फाइबर की तरफ जाता है जो कि बेसिकली आपका वेब शियर कहलाता है. सो फर्दर मोर रेट ऑफ इट्स प्रोग्रेस इज रिड्यूस्ड विद क्रशिंग ऑफ द कॉन्क्रीट इन द टॉप कंप्रेशन फाइबर एंड अ रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस इन द टॉप रीजन. जो इंक्रीमेंट है जो लोडिंग की वजह से जो क्रैक प्रोपेगेट हो रहा है वो प्रोग्रेस जो डेवलप हो रही है वो आपकी कॉन्क्रीट क्रशिंग के साथ कनेक्टेड है वो रिड्यूस हो जाती है जैसे आपका कॉन्क्रीट क्रश हो जाता है. सडन फेल्योर टेक्स प्लेस एट द प्रिंसिपल इंक्लाइन क्रैक डायनामिकली जॉइन द क्रश जोन ऑफ कॉन्क्रीट. क्रश जोन कॉन्क्रीट का जैसे ही क्रैक को ज्वाइन करता है एक सडन एब्रप्ट फेल्योर एक साउंड ब्लास्ट लाइक साउंड जनरेट करता है. दिस टाइप ऑफ फेल्योर कैन बी कंसीडर्ड टू बी लेस टू बी हैज अ लेस brittle than the diagonal tension failure, yet it is in fact a brittle type of failure with a limited warning and such a type of design should be avoided completely. कि ये एक abrupt failure है, without warning failure है, जिसको बाकी जो दोनों failures थे उसके अंदर हमें एक significant या एक important warning provide हो रही थी जिससे हम avoid कर सकते हैं हमारे structure को मजीद use करना या अगर हम use कर रहे हैं तो उसको better करवा सकते हैं कि भाई structure किसी भी वक्त गिर सकता है. लेकिन जो शियर फेल्यूअर है या वेब शियर जो फेल्यूअर है उसके अंदर हमें कोई भी वार्निंग नहीं मिलती. स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिटल फेल्यूअर शो करा दी किसी भी वक्त ढाल करके गिर सकता है जिसकी वजह से हम इन रियल लाइफ एप्लीकेशन को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं. तो अ कंक्रीट बीम और एलिमेंट नॉट होमोजीनियस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट थ्रू आउट स्पैन इज सब्जेक्ट टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन. कि हमारा जो मेंबर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता इस चीज के अंदर और थ्रू आउट जो है वो मेंबर की स्ट्रेसेस जो है वो यूनिफॉर्मली होती है या नहीं होती केस के लिए हमारा जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है उसको हम रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर अवॉइड करते हैं. एंड वन कैन
cannot expect that the stabilized failure, diagonal failure occurs at the both ends of the tree. If you have stabilized your failure is your peer who are failure, you have no ends to open the river expect any of the things you see the eight ends to open the river normally appear with the हम यूनिफॉर्मली ट्रीट करते हैं यूनिफॉर्मली ट्रीट या सिमिलरली ट्रीट करते हैं कि हमारा जो फेल्यूअर है वो एक एंड के ऊपर अगर इस तरह से है तो दूसरे एंड के ऊपर भी इसी तरह का फेल्यूअर अपीयर होगा आल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्चर डायगोनल टेंशन फेल्यूअर एंड डायगोनल टेंशन शीयर कंप्रेशन फेल्यूअर कैन अकर एट ओवरलैपिंग शीयर स्पैन टू दैट रेशियो इन सम केसेस के अंदर ओवरलैपिंग फेल्यूअर भी दो फेल्यूअर कंबाइन हो सकते हैं लेफ्ट शीयर और डायगोनल टेंशन शीयर और फ्लेक्चर शीयर जो है वो कंबाइन भी हो सकते हैं So if appropriate amount of shear reinforcement is provided, brittle failure of multiple members can be eliminated with an additional loss. कि in real life application आप चाहते हो कि आपका structure जो है वो shear को face ना करे, abrupt failure ना दिखाए, हमें थोड़ी सी deviation दे, हमें थोड़ी सी warning provide करे, तो उस case के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ी सी additional खर्चा करते हैं, हम additional reinforcement provide करते हैं, जिसकी वजह से member जो है वो abrupt failure से, brittle natured failure से, ductile natured failure की तरफ switch कर जाता है, और ये हमें थोड़ी सी कॉस्ट के अंदर एडिशनल बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाता है रियल लाइफ एप्लीकेशंस सो इट शुड बी एम्फेसाइज दैट मोस्ट फेल्यूअर्स टेंड टू अकर बाय डायगोनल टेंशन व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्चर एंड शियर इफेक्ट्स कि अगर हम एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉम्बिनेशन फेल्यूअर के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर आपके फ्लेक्चर और शियर के इफेक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं जो कि ज्यादा कौन सा जो है वो डोमिनेट कर रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर को